Subscribe and press the bell icon for latest update. मध्य प्रदेश से एक खास खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की दो विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने का बेड़ा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही उठा रखा है। वहीं कांग्रेस से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का जिम्मा है। अंतिम दिन दोनों ही दलों के नेता कई सभाएं और रोड शो करते दिखे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस और अशोकनगर के मुंगावली में चुनाव रोचक हो चुका है। दोनों ही दलों ने जोर लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 24 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रचार आज थम गया। मतगणना अब 28 फरवरी को होगी। भाजपा के लिए मुख्यमंत्री चौहान, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के अलावा सरकार के एक दर्जन से ज्यादा मंत्री इन विधानसभा क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। जनता के बीच जाकर मुख्यमंत्री चौहान सिर्फ 5 महीने के लिए क्षेत्र का नेतृत्व भाजपा के उम्मीदवारों को देने की अपील कर रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के सांसद सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव सहित कई और नेता भी यहां आज सभाएं की। कांग्रेस की ओर से भाजपा पर क्षेत्र की उपेक्षा करने और सांसद सिंधिया द्वारा कराए गए विकास कार्यों का भी ब्यौरा दिया। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।